ये हमारे तथागत हैं जो 5 साल के हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश कुमार मौर्य है। तो मौर्य जी, क्या प्रॉब्लम थी तथागत को? सर चलते नहीं थे, चलने में दिक्कत होती थी। चलने में इनको दिक्कत होती थी। जी जी। इसके अलावा फीडबैक में कि तथागत हमारे यहाँ 16/12/2021 को आए थे और अभी हम लोगों का 28 सेशन इनका फिजियोथेरेपी हुआ है और 28 सेशन में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि सीजर गेट की प्रॉब्लम थी इनको, जैसे बता रहे हैं मौर्य साहब की। वो सर क्या दिक्कत लग रही थी, क्यों नहीं चल पाते थे इनका? कमर से सर खड़ा करते थे, लुढ़क जाते थे। कमर से लुढ़क जाते थे, यानी टंग कंट्रोल नहीं था। इसके अलावा इनका पैर आपस में क्रॉस हो जाता था, यानी कि सीजर गेट बन जाता था। और जब ये खड़ा होते थे तो इनका एड़ी जमीन पे नहीं होती थी, टू वॉकिंग होती थी। तो यदि ओवरऑल कहें तो जब तथागत हमारे यहाँ आए थे तो उनका पैर आपस में जैसे खड़ा होते थे और पैर बढ़ाने की कोशिश करते थे तो ऐसे लॉक हो जाता था। यही दिक्कत थी और कोई दिक्कत थी सर? तो चूंकि इनका टू पॉइंटेड था, पैर आपस में क्रॉस हो जाता था और ट्रंक का कंट्रोल नहीं था, हिप इनका एक्सटर्नल रोटेशन में था, जिसकी वजह से तथागत को चलने में बहुत ही दिक्कत, इवन खड़ा होने में भी बिना सपोर्ट के खड़ा नहीं हो पाते हैं। पिछले 28 सेशन में फिजियोथेरेपी हुई और 28 दिन के सेशन में कैसा लग रहा आपको? कैसा इम्प्रूवमेंट है इनका? ठीक हो जाएगा, मेरा बच्चा चलने लगेगा। आपको लगने लगा कि चलने लगेगा? इसके पहले हम आए थे मार्च में 2020 में आए थे सर। 2020 में, उसके बाद कोविड हो गया था तो चले गए थे। जी जी, कोविड का लॉकडाउन से पहले आप आए थे लेकिन कोविड लगने की वजह से फिजियोथेरेपी नहीं हो पाई। उसके बाद तथागत हमारे यहाँ अब आए हैं और इनकी फिजियोथेरेपी शुरू हुई है। चल रही गोरखपुर से, लेकिन हमने सोचा फिजियोथेरेपी पहली बार जब आए थे डॉक्टर अतुल अग्रवाल सर बोले थे कि जो थेरेपी बेटा इसका एक उपचार और कोई उपचार नहीं, तब भी हम इधर उधर भरमते रहे। मध्य प्रदेश रीमा तक गए आयुर्वेदिक दवा वहाँ 1.5 साल किए। सर बिल्कुल खुश रहिए, अब तो ठीक हो जाएंगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अब कैसा इम्प्रूवमेंट है इनका? ठीक है, अब लग रहा है कि चल देंगे। जी, दूसरी चीज़ मैं मौर्य साहब ये कह रहा था कि इनका जो एक्टिविटी है, जो बाकी एक्टिविटी है, स्पीच वगैरह, वो तो काफ़ी बेटर है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कहाँ के रहने वाले हैं? अम्बेडकर नगर। आप अम्बेडकर नगर से यहाँ आके रुक के और 14 दिन में हम लोगों ने 28 सेशन किए हैं, जिसमें कि सुबह और शाम दोनों टाइम बहुत ही हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है सर। एक्स्ट्रा केयर का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, कैसा लगा? अच्छा लगा सर, यहाँ का वर्किंग अच्छा है, जो थेरेपिस्ट हैं प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं। जी, हाइजीन कैसा है सेंटर का, हाइजीन वगैरह कैसा? सब कुछ सही है सर, आपका व्यवहार भी, नेचर भी सही है। चलिए सर, मौर्य साहब, ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये एक फीडबैक के लिए वीडियो बना रहे हैं कि और भी लोग इसको देखें, और यदि किसी का टो वॉकिंग है, पैर क्रॉस हो रहा है और स्टैंडिंग में उसको दिक्कत हो रही है, तो वो या तो इसमें जो दिए हुए एक्सरसाइज हैं इसको घर पे खुद करके अपने बच्चे को बेटर करें, या फिर जो एक्सरसाइजेज हैं जो हम लोग आगे भी इसके नेक्स्ट वीडियोज बनाएंगे वो देखें। तो सर, इस वीडियो को यदि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूं तो कोई आपको आपत्ति तो नहीं? आप कंसेंट दे रहे हैं कि हम इसको डाल सकते हैं? डाल सकते हैं सर। ठीक है, थैंक यू मौर्य साहब, थैंक यू सर।